السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. जिसे एक मेरा सवाल है कि जैसे हमारे यहाँ आजकल मतलब दहेज लिया जाता है, दहेज उसमें जैसे पैसा लिया जाता है तो उसी पैसे से मोहर दिया जाता है और उसी पैसे से तमाम चीज किया जाता है, घर में खाना वोना बराती वराती सब, तो क्या ऐसे निकाह हो जाएगा? आ देखिए, निकाह हो जाएगा, निकाह के लिए बल्कि महर शर्त भी नहीं है। वो निकाह हो जाएगा, निकाह होके होने में शुभा नहीं है, लेकिन वो हराम काम जो आप कर रहे हैं उस पर आपको गुनाह मिलेगा। निकाह के होने में कोई परेशानी, निकाह हो जाएगा, बल्कि आपने निकाह करते वक्त महर का जिक्र भी नहीं किया तब भी निकाह हो जाएगा। तो महर तो निकाह हो जाने के बाद शौहर के ऊपर बीवी का एक हक है जो निकाह होने के बाद साबित होता है। तो महर का निकाह से ऐसा ताल्लुक नहीं है कि महर ना हो तो निकाह नहीं होगा, निकाह हो जाएगा। महर एक हक है शौहर के ऊपर जो बाद में उसे देना है। अब ये अलग मसला है कि वो कहां से लाके देता है, उसके ऊपर वाजिब है कि जायज माल और हलाल माल दे। हराम तरीके से अगर वो ला करके दे रहा है तो उसके अपने लिए तो हराम है, उसके लिए जायज नहीं है कि वो कोई ऐसा माल दे जिसका वो मालिक नहीं है। बाकी जब वो माल बीवी पा जाएगी तो बीवी का उसमें कोई कसूर नहीं है, बीवी के लिए वो माल हलाल होगा। लेकिन इसने जो नाजायज तरीके से माल हासिल किया है इसके इसको इस पर गुनाह मिलेगा। बाकी उसका निकाह हो जाएगा, निकाह होने में कोई दिक्कत नहीं है।